सरकार संग बार बार बातचीत विफल होने के बाद अब किसान दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसान आज यानी बुधवार से फिर दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि सरकार संग बातचीत की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद किसान संगठनों ने सोमवार को ही इसका ऐलान कर दिया था। किसानों की तरफ से अब इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को दखल देने की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि पीएम मोदी इस पर विचार करें और एमएसपी पर कानून बनाएं, जिससे ये सब खत्म किया जा सकता है। फिलहाल हजारों किसान दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। आज ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ दिल्ली की ओर रवाना होंगे। हालांकि उन्हें रोकने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। हरियाणा में ही नहीं, दिल्ली की सीमाएं भी छावनी में तब्दील हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन को लेकर चप्पे चप्पे पर पहरेदारी कर रखी है। किसानों की आज बुधवार को दिल्ली मार्च के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से शांति की अपील की है। वहीं दिल्ली कूच करने से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने क्या कहा, उसे सुने। फैसला किया है, कोई जुआ कोई किसान मजदूर आगे नहीं जाएगा, लीडर बड़े जाएंगे, फेसबुक के हो आगे जाएंगे, सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से झड़े सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। बीएसएफ पंजाब में भी घुसाई गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। आप कहें कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, ये सारी स्थिति समाप्त हो सकती है, इस गतिरोध खत्म हो सकता है। तो ये निर्णय है कि हम पीसफुली शांतमय ढंग से आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट पर खड़े हैं। दरअसल पंजाब के हजारों किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च शुरू किया था। इस मार्च को फिलहाल हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद फिर से सरकार से बात हुई। कई दौर की बात होने के बावजूद भी बात नहीं बनी, तो किसानों ने आज यानी 21 फरवरी को फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे